This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Sayyid Ali Chabutra near Shah Ghaus Hotel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल A18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास खबरनामे पर। आज 30 सितंबर जुमेरात यानी थर्सडे का दिन है। आइए नाज़रीन देखते हैं आज का ख़ास खबरनामा। शहर हैदराबाद में अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। शहर हैदराबाद में घर लाखों करोड़ों की कीमतों में बेचे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मार्केट में हैदराबाद में 6,735 घर बेचे गए जुलाई और सितंबर के महीने के दरमियान। पिछले साल के मुकाबले 300 गुना ज़्यादा बेचे गए हैं। हैदराबाद ज़मीनात के कारोबार के ताल्लुक से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को पीछे कर दिए हैं। बताया जा रहा है हैदराबाद में पिछले 3 महीनों में 14,700 जदीद घर तामीर किए गए। करीब 56 अफराद और अफराद ख़ानदान जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग 1,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं, यानी 1 बिलियन के करीब। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक तेलंगाना रियासत में 63 अमीर यानी बिलियनर्स शख्सियत है, जिसमें से कुछ गिने चुने नाम हैं। मुराली दीवी जो US साइंटिस्ट है और फाउंडर है हैदराबाद दीवी लेबॉरेटरीज़ के, और दूसरा ड्रग रिसर्च फर्म के मालिक हैदराबाद के अमीर शख्सियत है। साथ ही 14वीं ऐसी अमीर शख्सियत है इंडिया भर में जो 79,000 करोड़ के मालिक है। और दिगर बिलियनर्स डॉक्टर रेड्डी लेबॉरिटीज चेयरमैन कालम सतीश रेड्डी, जेवी प्रसाद जी, अनुराधा और दिगर। लेकिन ये लोग सिर्फ तेलंगाना रियासत के अमीर लोग हैं, इंडिया के नहीं। ये लिस्ट जारी की गई वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 की जानिब से थर्सडे यानी जुमेरात के दिन। ज़रा सोचिए, हैदराबाद से मुंबई सिर्फ 3 घंटे में पहुँच सकते हैं क्या? मुस्तकबिल में ये बिल्कुल मुमकिन है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है बुलेट ट्रेन लगाने के लिए मुंबई और हैदराबाद के दरमियान, और एक ख़ास रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है मुंबई और हैदराबाद के दरमियान कनेक्टिंग बुलेट ट्रेन बनाने के लिए। ज़राए के मुताबिक महाराष्ट्र के थाने के डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली आवाम को इस प्रोजेक्ट के ताल्लुक से बताया गया है। मुंबई और हैदराबाद के दरमियान हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाएगा। इस ताल्लुक से अभी सर्वे किया जा रहा है। फर्स्ट ईयर डिग्री स्टूडेंट्स के क्लासेस अक्टूबर की पहली तारीख से शुरू हो जाएंगे, तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने कहा। साथ ही थर्ड फेज सीट अलॉटमेंट्स का आगाज कर दिया जाएगा डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना में। अब 1 अक्टूबर से डिग्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अपने फिजिकल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सब्जी की मार्केट को हुआ भारी नुकसान। हैदराबाद की खेती बाड़ी हुई तबाह तेज बारिश की वजह से। तरकारी की खेती बाड़ी को शदीद नुकसान हुआ है। रंगारेड्डी और हैदराबाद से पास खेतों में शदीद तरीन गुलाब आंधी की बारिश से काफ़ी नुकसान हुए हैं। बताया जा रहा है 768 एकड़ ज़मीन खेती बाड़ी की खराब हो चुकी है बारिश की वजह से। शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड्स मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे, यहाँ AC डाइनिंग हॉल की सहूलत है। साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है। 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है। स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन, बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।